जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज मैं बात करूंगी जेमिनाई राशि के बारे में और जानेंगे कि जेमिनाई के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना व्हेन इट कम्स टू मनी एंड करियर। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा जेमिनाइज के लिए मंथ ऑफ जनवरी फॉर इन टर्म्स ऑफ मनी एंड करियर। तो लेट्स इन्वाइट द एनर्जीज फर्स्ट। Please help me to get the answer for Gemini. Please tell me how will be the month of January when it comes to money and career for my Gemini friends. All right. So let's pull out cards from the Nostradamus deck first. And in the meantime, subscribe कर लीजिए अगर आपने subscribe नहीं किया है तो. Let's see Gemini के लिए कैसा रहेगा January का month when it comes to money and career. All right. ये भी आ रहा, एक और card निकाल लेते हैं. So we have these three cards. Let's see one by one. Travel is there, success is there, and somebody is creating problem. Okay, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपका यहाँ पे travel है, हो सकता है कि business related आपको कहीं पे travel करना पड़े, आप shift करें कहीं से, हो सकता है आप अपने जहाँ आप अभी work कर रहे हैं हो सकता है वहां से आप कहीं और shift करें, या आपको कहीं पे travel करके जाना पड़े आप January के महीने में, हो सकता है traveling हो आपकी एंड वेन इट कम्स टू योर वर्क एंड करियर, और कहीं और आपकी जॉब लग सकती है, आप जहां पे वर्क कर रहे हैं वहां से कहीं और आपको जाना पड़ सकता है, कोई डिसीजन यहाँ आपको लेना पड़ सकता है जनवरी के महीने में। और यहाँ मुझे लगता है कि कुछ ब्लॉकेजेस है, कोई है जो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है आपके करियर में, आपके फाइनेंशियल सेक्टर में। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि थ्री ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, यानी कि सक्सेस तो आपकी ही होगी, कोई आपको जितना भी आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा फाइनली सक्सेस आपकी ही है। थ्री ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, कार्ड ऑफ सक्सेस, तो सक्सेस तो आपकी ही होगी, तो इट्स गुड फॉर यू। लेट्स सी, लेट्स गेट मोर क्लैरिफिकेशन। ऑलराइट, सो द जजमेंट कार्ड इज देयर, देन वी हैव द डेथ कार्ड, दैट्स अ न्यू बिगिनिंग, एंड वी हैव सिक्स ऑफ कप्स, सो लॉट्स ऑफ ऑफरिंग। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप किसी को कुछ ऑफरिंग यहाँ पे करना चाहते हो। आप देखिए यहाँ पे ये दो लोग हैं और ये बहुत अच्छे प्यार से हैं यहाँ पे, और लॉट्स ऑफ फ्लावर्स एंड यू नो यू कैन सी अ हाउस देयर। सो मे बी आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, और आप यहाँ पे ये आप यहाँ पे देखिए थ्री ऑफ कप्स है, थ्री कप्स यहाँ है, थ्री कप्स यहाँ है, सब में फ्लावर्स है, तो लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड यू नो समथिंग वेरी रियली गुड विच विल बी देयर फॉर यू। एंड सिक्स ऑफ कप्स इज एन अमेजिंग कार्ड टू हैव, सो दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी जो भी अबेंडेंस जो है वो आपकी ही होगी, अबेंडेंस होगी, और आपके जो रिलेशंस हैं वो यहाँ पे बहुत सुंदर दिख रहे हैं लोगों के साथ, और ये यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड है, तो जो भी आपके लिए ऑब्स्टेकल है वो एक तरह से आपके लिए नई शुरुआत है आपकी लाइफ की, विच इज वेरी गुड। और यहाँ पे जजमेंट कार्ड है, यानी कि कोई आपको यहाँ पे जज करेगा या कुछ ऐसा होगा, या आप कोई सिचुएशन को जज करेंगे और फिर आप एक डिसीजन लेंगे। हो सकता है कि आपको लगे कि आप जहाँ काम कर रहे हैं उससे बेटर आप कहीं और जॉब सर्च करें, और आप जजमेंट करेंगे, आप जज करेंगे और सिचुएशन को, एंड देन यू विल टेक अ डिसीजन। सो यहाँ पे आप डिसीजन लेंगे, बट माई फ्रेंड्स जो भी डिसीजन आप लेंगे दैट विल बी अ न्यू बिगनिंग फॉर यू, तो आपके लिए एक नई शुरुआत होगी जनवरी के महीने में, और ये जो नई शुरुआत होगी ये आपको सेलिब्रेशन है। यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स है, यहाँ पे हो सकता है कि आप कुछ लोगों से मिलें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए ये कार्ड जो है यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स का है, और आप यहाँ पे बहुत खुश हैं, आप शायद अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, तो यहाँ ये बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो कोई डिसीजन आप लेंगे व्हेन इट कम्स टू योर करियर, एंड लेट्स गेट मोर कार्ड्स। आई थिंक थोड़ा परेशान भी हैं आप इस समय, नाइन ऑफ सॉर्ड्स आया है, कोई चीज है जो आपको बहुत परेशान कर रही है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज दिस, व्हाई आर यू वरीड। एट ऑफ रॉड्स, आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, यू वांट टू टेक अ डिसीजन इन योर लाइफ एंड यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन, समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग। लेट्स सी, सो यू हैव द एम्परर कार्ड, सो आप यहाँ पे एम्परर हैं, आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आप वो डिसीजन लीजिए, और आप लेंगे भी, जैसे कि मैंने कहा। आप देखिए यहाँ पे फूल्स कार्ड आया है, बेसिकली ये जो एनर्जी होती है ऐसी होती है कि आप कोई डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है, तो यू विल टेक अ सडन डिसीजन, और वो डिसीजन आप सारी सिचुएशन को जज करने के बाद ही लेंगे। और यहाँ पे आप थोड़े समय के लिए परेशान जरूर हो सकते हो, लेकिन यू विल बी वेरी क्विक इन टेकिंग एक्शन, सो यू विल नॉट गेट स्टक इन दिस नाइन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी। आप इस एनर्जी में ज्यादा समय तक नहीं स्टक रहोगे कि मैं क्या करूं सिचुएशन में, लेकिन आप तुरंत एक्शन लोगे। आप ज्यादा से ज्यादा एक दिन दो दिन स्टक रह सकते हो, लेकिन देन यू विल टेक एन एक्शन, और वो एक्शन आपको एक नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ की। तो यहाँ पे जो भी आप एंजाइटी आपको है या कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो,
you will be taking a new decision and that decision will change your life because यहाँ पे emperor card आया है. Emperor वो person है जिसको hierarchy में सब ऊपर माना गया है और ये person जो है ये कहीं ना कहीं आपको represent करता है यहाँ पे. आप यहाँ पे एम्परर की तरह हो और आप जो भी यहाँ पे चाहोगे आपकी लाइफ में वो चीजें होती चले जाएंगी. आप मैनिफेस्ट करोगे चीजों को. तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं. न्यू बिगिनिंग है आपको फॉर द मंथ ऑफ जनवरी और डेफिनेटली डिसीजन तो आप ले ही रहे हो. कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है जिसको आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे या शायद सीरियसली नहीं ले रहे थे लेकिन अब आप एक्शन लेंगे एंड देन देयर इज अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू. देखिए जैसा कि मैंने कहा आप स्टक थे. हैंगमैन का कार्ड है यानी कि आप बहुत समय से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे लेकिन अब आप उस सिचुएशन में डिसीजन लेंगे एंड यू आर द एम्परर हियर. ओके सो नाइस कार्ड्स फॉर यू एंड डेफिनेटली देयर इज सेलिब्रेशन. यहाँ पे सेलिब्रेशन है. आप यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे अपनी फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट करेंगे और ये जो कार्ड है थ्री ऑफ कप्स का ये सक्सेस का कार्ड है. तो जो भी आपकी लाइफ में जनवरी में जैसी भी सिचुएशन होगी अल्टीमेट सक्सेस इज ऑल योर्स एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस सिक्स ऑफ कप्स. यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड ऑफरिंग्स. मे बी यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस हेयर. हो सकता है आप अपना ही कोई बिजनेस शुरू कर दें या अपना ही कोई काम शुरू कर दें जिसमें आपको बहुत कामयाबी यहाँ पे दिख रही है. Alright, so thank you so much for watching me and if you like the reading, please subscribe kare and if you want a personalized reading, you can WhatsApp me. The number is 9899-000-366. It's mentioned on the screen. Thank you so much for watching me. Jai Shri Ram, Jai Bharat.